नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं प्रमिला केपी की पुस्तक स्त्री चिंतन इसके साथ उपस्थित हूं। प्रमिला केपी दक्षिण भारत में केरल में रहती हैं। लेखन और अनुवाद के क्षेत्र में उनकी अपनी एक प्रतिष्ठा है। हिंदी, अंग्रेजी और मलयालम तीनों भाषाओं में लिखती हैं। वैज्ञानिक और सामाजिक चिंतन उनका विषय है। आलोचना के लिए देवी शंकर अवस्थी सम्मान पा चुकी हैं और उनकी जो भी पुस्तकें हैं वह स्त्री विमर्श पर सैद्धांतिक, वैचारिक और दार्शनिक पुस्तकें हैं। विमर्श की पुस्तकें हैं, आलोचना पुस्तकें हैं। जो उन पुस्तकों का नाम, मैं कुछ पुस्तकों का नाम लेता हूँ, स्त्री चिंतन, स्त्री स्मिता और समकालीन कविता, स्त्री जीवन के युगल क्षेत्र, विमर्श और विस्तार, विमर्श की संगति, विमर्श की राहों पर, अक्षरों के बीच, गिरी औरत, अनुवाद के व्यवहारिक आयाम, स्त्री अध्ययन की बुनियाद और स्त्री यौनिकता बनाम आध्यात्मिकता, ये पुस्तकें उनकी आ चुकी हैं। केरल के लोग, केरल में प्रवास करने लोग, दक्षिण भारत के लोग जब हिंदी में कोई भी पुस्तक लेकर आते हैं तो वे गहन अध्ययन और शोध के साथ लेकर आते हैं। वे केवल तर्क या केवल कथ्य या केवल शिल्प पर जोर नहीं देते, बल्कि वे उस दर्शन और उसके मूल तत्व वैचारिकी पर भी महत्व देते हैं। और वो ये कोशिश करते हैं कि जो बात वे कहना चाहते हैं वह बड़े ही ढंग से लोगों के सामने है। प्रमिला केपी का कहना है कि आखिर लड़कियों या स्त्रियों को क्या चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और हर जगह हर बार यह सवाल उठता है। कई बार उपहास के अंदाज में उठता है, कई बार सवाल के अंदाज में उठता है और कई बार विरोध के स्वर में उठता रहता है कि आखिर जीवन की जब बुनियादी ज़रूरतें एक स्त्री को मिल रही है, साफ़ सुथरी अच्छी ज़िंदगी मिल रही है, कामकाज या रोज़गार के उसको अवसर मिल रहे हैं, स्वास्थ्यपूर्ण सहजीवन का उसको आखिर वादा मिल रहा है, वचन मिल रहा है, तो फिर ऐसी क्या वजह है कि स्त्री सुरक्षा की दावेदारी जो है वो केवल सरकारी भाषणों और राजनीतिक भाषणों और सरकारी कागजातों तक ही सीमित रह पाती है। आखिर औरत की आज़ादी का मतलब क्या है? हमारे परिवार, हमारे समाज और हमारे सार्वजनिक स्थलों पर स्त्री अगर योग्य है, अपनी प्रतिभा से वह कोई जगह पाती है, अगर वह आज़ाद ख्याल है, तो उसे दूसरे मनुष्यों के बराबर क्यों नहीं समझा जाता? ऐसा क्यों माना जाता है कि किसी भी स्त्री के विकास में पुरुष या पुरुषों का गठजोड़ या उनका सहयोग या उनका समन्वय हासिल है? स्त्री की अपनी इच्छा क्यों हर समय एक चुनौती के रूप में उसको देखा जाता है और क्यों वह बिना डरे अपना कोई मत, अपने जीवन को खुशहाल रखने के लिए, अपने सम्मान के साथ अपनी सामाजिकता के बीच क्यों नहीं रख पाती? आखिर उसके हर सवाल को, उसकी हर बात को किसी न किसी संदर्भ से, किसी न किसी बात से क्यों जोड़कर देखा जाता है? यही बात प्रमिला केपी इस पुस्तक में दार्शनिक अंदाज में सिद्धांतों के साथ समझाती हैं। वे बाकायदा, चूँकि आलोचना पुस्तक है इसलिए इसमें किसी भी तरह की किस्सागोई की बजाय तथ्यों की बात होती है, सिद्धांतों की बात होती है, दर्शन की बात होती है, वैचारिकी की बात होती है और वे अलग अलग अध्यायों में इस बात को रखती हैं। स्त्री चिंतन कल क्या था और आज क्या है, स्त्रीवादिन होने का गुनाह और साहित्य में अविमर्श का साया, इस अध्याय में वे बाकायदा कहती हैं कि आखिर स्त्रियों के पक्ष में बोलना या स्त्रीवादी होना कोई गुनाह क्यों है और साहित्य इतना सहज क्यों नहीं है, इतना उदार क्यों नहीं है कि वह ऐसे विषयों पर विमर्श करता है। वे स्त्री चिंतन की वैज्ञानिकता की भी बात करती हैं अगले अध्याय में। दलित शब्द, स्वत्व और स्त्रीत्व, इसकी भी वह बात करती हैं। इसके बाद पद दलित स्त्री उपस्थिति व दखल की बात करती हैं और विषैली मर्दानगी और मैं भी की बात करती हैं।
इन अध्यायों में वो बाकायदा स्त्री पक्ष को रखती हैं, इस बात को स्थापित करने की कोशिश करती हैं कि नारीवादी होना केवल स्त्रियों का अधिकार नहीं है, बल्कि बिना पुरुषों के सहयोग के यह ठीक है कि स्त्री अपने आप में एकल एक इकाई है, हर मनुष्य एक इकाई है, इस स्तर पर पुरुष भी एक इकाई है, स्त्री भी एक इकाई है। लेकिन जो पाश्चात्य की धाराएं हैं उनसे अलग हमारी जो धारा है वह स्वाभाविक साझेदारी की धारा है, और जो स्त्रीवाद का परचम है वह किसी भी रूप में विभक्त करके, विभाजन करके स्त्री पुरुष को अलग अलग बांट कर स्थापित नहीं हो सकता है। स्त्रियों का जो अधिकार मोह है वह स्वाभाविक है। उनका कहना है कि इन सवालों को जानना चाहिए, आखिर स्त्री को क्या चाहिए, और वो जो आज़ादी की बात करती है वह आज़ादी किस चीज़ से चाहती है। स्त्री अपने आप में आज़ादी की मांग करती है और वह यह चाहती है कि उसके विचारों को समझा जाए और बुना जाए, गुना जाए और मान्यता दी जाए। बेटी, आखिर बेटी अगर आती है तो क्यों बेटों से इतर इस बात की उम्मीद की जाती है घरों में कि घर का सारा काम बेटी ही करेगी, और इस बहाने वे कहती हैं कि स्त्रीवादी जो हैं उनको किसी भी रूप में हिकारत की नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्त्रीवादी कुटुंब और परिवार की खिलाफत नहीं करती, वह गृहस्थ जीवन की खिलाफत नहीं करती। उनका कहना है कि ये जो आरोप है कि नारीवाद जो है वह उच्च स्तरीय वर्ग का हिस्सा है या उच्च स्तरीय वर्ग की महिलाओं का विचार है, यह गलत है। उनका कहना है कि इस बात से जो लोग स्त्री को उत्पीड़ित करना चाहते हैं या जो लोग उसे यौन उत्पीड़न उसका करना चाहते हैं, उसका शोषण करना चाहते हैं, वो लोग गलत करते हैं, वही लोग घबराते हैं। बाकायदा उन्होंने फेमिनिज्म के जितने भी स्त्रीवादी, नारीवादी, स्त्रीवादी, स्त्रीवादी, फेमिनिस्ट, मेल फेमिनिस्ट, इन शब्दों को गाली के संदर्भों में प्रयोग करने का विरोध किया है और स्त्रीवाद पर उन्होंने अपना एक नज़रिया दिया है। इसी तरह से वो जब मर्दानगी की बात कहती हैं तो वो कहती हैं कि कोई भी स्त्री अगर ये सोचती है, ये तर्क करती है कि मैं पुरुषों के बराबर हूँ या उससे विशिष्ट हूँ, और इस लिहाज से वह जोर जोर से चिल्लाती है या जोर जोर से अपनी बात को रखने की कोशिश करती है या वो मर्दों के समकक्ष होना चाहती है, तो यह गलत है। क्यों? क्योंकि दोनों की संरचना अलग है, दोनों का लिंग भेद है जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए, और किसी भी रूप में हीन भावना किसी भी स्त्री के मन में नहीं आनी चाहिए। किसी भी वाद का अतिवाद बुरा है। और वो फिर इस बहाने मीटू आंदोलन की बात करती हैं और कहती हैं कि मीटू आंदोलन से घबराया हुआ वर्ग मेंटू की बात करता है, जबकि मीटू का अर्थ केवल स्त्री नहीं है, मी का अर्थ कहीं भी जेंडर में यानी लिंग में विभाजित नहीं है, लिंग भेद के आधार पर नहीं है, उसका लिंग कहीं भी इस रूप में नहीं है कि मी का मतलब स्त्री होता है। तो यह पुस्तक स्त्री चिंतन एक तार्किक आधार पर, दार्शनिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, साहित्यिक आधार पर एक विशद दृष्टि देता है। इस पुस्तक को जो भी नारीवादी हैं या हिंदी साहित्य में जो लोग नारी विमर्श पर बात करना चाहते हैं या जो स्त्री के पक्ष को समझना चाहते हैं कि स्त्रियां क्यों अपनी बात को एक तर्क के साथ लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रही हैं, यह वाद आया ही क्यों, जो लोग इस बात को समझना चाहते हैं वे प्रमिला केपी के स्त्री चिंतन पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं सामयिक प्रकाशन, और 176 पृष्ठों की इस पुस्तक का मूल्य ₹400 है। हालांकि ये हार्ड बाउंड संस्करण है, लेकिन सामयिक प्रकाशन को आम लोगों के हित में पेपरबैक संस्करण की पुस्तकें भी निकालनी चाहिए और उन पुस्तकों को लोगों को उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि विमर्श और दर्शन की ऐसी पुस्तकों को जो वैचारिकी को दिशा दे सकती हैं सभी को सुलभ हो सके। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह के पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।